ओके वेल, सबसे पहले काजुया ने हियाची को क्लिफ से फेंका, फिर हियाची ने काजुया को क्लिफ से फेंका, फिर हियाची ने जिनको हेलीकॉप्टर से फेंका, फिर काजुया ने हियाची को क्लिफ से फेंका, फिर काजुया ने जिनको भी क्लिफ से फेंका। मेरे को कंफ्यूज कर रहे ला साले। और ऐसी करके काजुया ने और भी काफी सारे लोगों को क्लिफ से फेंका है। सो मेरे यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये मिशिमा से एक दूसरे को मारने के बाद आखिर में क्लिफ से क्यों फेंक देते हैं? हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट। सो इसका आंसर तो टेकन के ट्रू फैंस को पता ही होगा, बट मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स को इसके बारे में भी ना पता हो। तो चलो आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि ये सब का क्या रीजन है। सो या जल्दी से लेट्स बिगन। तो देखो, ये सब की स्टार्टिंग सबसे पहले हुई थी जब काजुया 5 साल का था और हियाची उस टाइम काफी यंग था, इसलिए वो अपनी वाइफ मतलब कि काजुया की मदर काजुमी को जान से मार काजुया को एक माउंटेन पर ले जाता है और उसको बताता है कि हाँ, मैंने ही तेरी माँ को मार दिया है। अब ये सुन किड काजुया गुस्से में आ जाता है और वो अपने ही फादर को मारने के लिए हियाची पर अटैक कर देता है। बट काजुया बच्चा था तो वो हियाची का क्या ही कर लेगा, इसलिए हियाची 5 साल के काजुया को डिफीट कर उसे उसी माउंटेन के क्लिफ से फेंक देता है। बट बाद में हमें पता चलता है कि काजुया में डेविल जिन होने की वजह से वो बच जाता है। अभी हम जिंदा हैं। और यहीं पर वो सबसे बड़ा पॉइंट आता है जब काजुया का पहली बार डेविल एक्टिवेट होता है और यहीं पर ही काजुया अपने फादर को जान से मारने की कसम खाता है। और इसके बाद तो क्या क्या हुआ तुम्हें पता ही है, इसलिए मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। सो अब इसके बाद सीधे यहाँ पर टूर्नामेंट की बात करते हैं। सो अब यहाँ से स्टार्ट होती है टेकन वन की स्टोरी, जिसमें हियाची द किंग ऑफ फाइन फिस्ट टूर्नामेंट अनाउंस करता है, जिसको जीतने पर काफी बड़ा प्राइज मिलेगा। बट एंड में उस फाइटर को हियाची को डिफीट करना होगा और इसलिए फिर जैसा कि हमें पता है कि एंड में काजुया ही हियाची का अपोनेंट होता है, जिसको देखकर हियाची शॉक्ड हो जाता है। एंड हियाची फेलियर काजुया उसे टूर्नामेंट में डिफीट कर सेम वैसे ही जैसे हियाची ने उसे बचपन में क्लिफ से फेंक दिया था, तो काजुया भी अपना बदला पूरा करने के लिए अपने फादर हियाची को एक माउंटेन की क्लिफ से फेंक देता है और यहीं पर ही वो एक लेजेंडरी स्माइल करता है। सो इसके बाद टेकन 2 में जब काजुया सब कुछ ओन कर एक न्यू टूर्नामेंट अनाउंस करता है, जिसमें फर्स्ट टूर्नामेंट के ही जैसे एंड में काजुया को डिफीट करना होगा। एंड यही पर अब काजुया फेलियर एंड में उसका अपोनेंट निकलता है उसका ही फादर हियाची मिशिमा, जो फर्स्ट टाइम फेंकने के बाद बच गया था। एंड आई डोंट नो कैसे हियाची इस बार क्या खाकर आया था, वो काजुया के साथ उसके डेविल को भी ओवर पावर करता है। बट इस बार हियाची वो पहली वाली गलती नहीं करता है, वो इस बार काजुया को पूरी तरह से मारने के लिए एक एक्टिव वॉल्केनो में उसे फेंक देता है, ताकि इस बार काजुया किसी भी तरह से ना बच पाए। बट हमें पता है उसमें डेविल जिन होने की वजह से वो एक्टिव वॉल्केनो को भी सरवाइव कर जाता है। और इसके बाद बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड करते हुए में आ जाओ, जिसमें हियाची और काजुया दोनों एक बार फिर से 1v1 फाइट करने का फैसला करते हैं। अब यहाँ पर ये मत सोचना कि ये कैसे हुआ, ये सब जानने के लिए तुम मेरी ये वीडियो देख सकते हो, चेकआउट कर लेना। सो अब दोनों यहाँ पर फिर से एक एक्टिव वॉल्केनो में फाइट करते हैं, जिसमें इस बार काजुया अपने फादर हियाची को डिफीट कर सेम वैसे ही जैसे टेकन 2 में हियाची ने उसे वॉल्केनो में फेंक दिया था, तो काजुया भी अपना बदला लेने के लिए हियाची को वॉल्केनो में फेंक देता है। और जैसा कि हमें पता है कि हियाची के पास काजुया के जैसे डेविल जी नहीं है, वो एक ह्यूमन है, तो हियाची का यहाँ पर राम राम सत्य हो जाता है। सत्य है, राम नाम सत्य है, कुछ भी। और काजुया यहाँ पर हियाची को मारे सेटिस्फाइड हो बोलता है, ओके मैं कुछ ज्यादा ही मीम्स यूज कर रहा हूँ क्या, और नहीं तो क्या। सो इसके बाद आ जाओ टेकन 8 में, जिसमें दो एंडिंग्स है, एक गुड एंडिंग और एक बैड एंडिंग। सो गुड एंडिंग में जिन काजुया को डिफीट कर उसे मारता नहीं है, बट बैड एंडिंग में सेम काजुया वैसे ही जिनको क्लिप से फेंक देता है जैसे जिन ने उसे फेंका था। एक मिनट, ऐसा कब हुआ, बैक करो। सो हाँ, काजुया ने जैसे हियाची को टेकन 7 में क्लिप से फेंक दिया था, तो सेम वैसे ही काजुया जिनको भी टेकन 8 में क्लिप से फेंक देता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि जिन ने तो काजुया को क्लिफ से कभी फेंका ही नहीं, तो काजुया ने जिनको क्लिफ से क्यों फेंक दिया, क्योंकि ये जो टेकन सीरीज में क्लिफ से फेंकने की परंपरा चल रही थी ये तो बस हियाची और काजुया में थी ना, इसमें जिन कहाँ से आ गया। सो हाँ, ये तुम्हारी बात ठीक है, बट मेरी यहाँ पर प्रिडिक्शन है। हाँ, मेरे पास प्रिडिक्शन ही है। अब काजुया ने मेरे कान में तो बोला नहीं है कि मैंने जिनको किस रीजन से फेंका, इसलिए मेरे पास बस प्रिडिक्शन ही है। और थोड़ी बहुत रिसर्च करने पर भी मुझे पता चला कि काजुया ने जिनको क्लिप से क्यों फेंका, क्योंकि वो जिन से भी उतना ही हेट करता था जितना वो अपने फादर हियाची मिशिमा से हेट करता था। इसलिए काजुया जिन को भी अपना एक पावरफुल राइवल मानता था, इसलिए काजुया अपने राइवल्स को, खासकर उन लोगों को जो उसकी फैमिली में है, उसे क्लिप से फेंक कर
अपना बदला पूरा करता है। ये कुछ वैसा ही है, हियाची ने मेरे को क्लिफ से फेंका, अब मैं सबको क्लिफ से फेंकूंगा। और यहीं पर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर काजुया ने जिनको क्लिफ से फेंका तो जिन ने काजुया को क्लिफ से क्यों नहीं फेंका? हमारा मर्जी है। तो इसका भी आंसर साफ है क्योंकि जिनके साथ ये फेंकने वाली चीज कभी भी नहीं हुई, अगर होती तो मैं भी वो भी काजुया को क्लिफ से फेंकता। या फिर एक और रीजन की जिन काजुया को नहीं मारना चाहता था वो बस काजुया को डिफीट कर उसे बचाना चाहता था, क्योंकि उसके मदर जून ने जिनको ऐसा करने के लिए कहा था। भाइयों तुम लोग भाई, इसलिए अगर जून ना होती तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि जिन भी काजुया को डिफीट करने के बाद क्लिफ से फेंक देता, बट जिन काजुया को मारना नहीं चाहता था इसलिए वो बस काजुया को डिफीट कर उसकी बॉडी वहीं छोड़ देता है। इसके बाद अगर कुछ नॉन कैनन की बात करें तो उसमें भी ऐसी फेंकने वाली चीज हुई थी, जैसे कि टेकन 3 में हियाची के एंडिंग में जब हियाची को पता चलता है कि जिनके पास भी उसके फादर के जैसे डेविल जिन है तो गेम बजाना पड़ेगा, तो वो बेहोश जिन को हेलीकॉप्टर से ही नीचे फेंक देता है। बट अगर ये एंडिंग कैनन होती तो मे भी आगे जिन भी हियाची से बदला लेने के लिए उसे ऐसी क्लिप से फेंक देता। इसके अलावा हमने काजुया को सुपर स्मैश ब्रदर्स अल्टीमेट गेम में भी देखा था, जिसमें हमें दिखाया गया था कि काजुया उसमें जब जीत जाता है या जब वो किसी को डिफीट करता है तो वो उसे क्लिप से फेंक देता है। वो अलग बात है कि कोई उड़ सकता है तो वो बच जाता है। इसलिए इस पॉइंट पर मुझे ये भी पता चला कि ऐसा जरूरी नहीं कि काजुया बस राइवल के लिए ही या राइवल्स को ही क्लिप से फेंकता है, जैसे हियाची और जिन को। वो अगर किसी स्ट्रेंजर फाइटर से भी फाइट करता है तो वो भी उसे क्लिप से फेंकेगा ही, या ये भी हो सकता है कि वो सभी ओपोनेंट को अपने राइवल के जैसे देखता हो, इसलिए अगर वो कोई माउंटेन प्लेस पर फाइट कर रहे होंगे तो काजुया उसे फेंक देगा। या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये गेम नॉन कैनन है तो इसलिए इस पे तो बात करना ही बेकार है। सो हाँ, मेरे पास या प्रिडिक्शन और मे बी जैसे ही वर्ड्स हैं, इसलिए जैसे कि मैंने कहा काजुया मेरे कान पर सब कुछ नहीं बताता, वो अलग बात है कि वो कुछ और बोल देता है। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। सो या गाइस, ये थी मेरी आज की एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने थोड़ा सा मीम्स का एलिमेंट लगाया है, इसलिए अगर तुम्हें मजा आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करते हुए जाना। बाकी मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड चले जाओ यहां से।